हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं बाया गाउन की स्टिचिंग। इसके लिए हमने पेपर पेस्टिंग पर दोनों नेक तैयार कर लिए हैं और इसे कपड़े पर चिपका लिया है। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है हम उसको कट कर देंगे। और इसके किनारे किनारे एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, हमने किनारे किनारे एक सिलाई लगा ली है और बीचों बीच एक निशान लगा लिया है। अब हम इसको गाउन पर रखेंगे और पिन से सिक्योर कर लेंगे। आप चाहें तो इसके बीचों बीच एक सिलाई भी लगा सकते हैं, जिससे ये कपड़ा और नेक आपस में अटैच हो जाएंगे। चलिए अब इसके किनारे किनारे एक सिलाई लगाते हैं और बीच का कपड़ा जितना भी होगा हम काट देंगे। ये देखिए, हमने फ्रंट और बैक नेक तैयार कर लिए हैं। अब हम इसके किनारे किनारे एक सिलाई लगा लेंगे और अपने शोल्डर्स अटैच कर लेंगे और यहाँ पर तुरपाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने अपने शोल्डर्स अटैच कर लिए हैं। अब हम इसके यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे। कफ बनाने के लिए हमने ये रेडीमेड पैच लिए हैं। फैब्रिक ग्लू की मदद से हम इसको स्टिक करेंगे। आप चाहें तो बाज़ार में जो लेसेस मिलती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं अपने कफ को डेकोरेट करने के लिए। जब तक हमारा पैच सूख रहा है तब तक हम लूप्स तैयार करते हैं। लूप्स के लिए हम डोरी बनाएंगे। 2 इंच इसकी चौड़ाई हो कपड़े की डोरी बनाने के लिए। ये देखिए, हमने डोरी बना ली है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, बहुत इजीली हमारी डोरी बन गई है। टू पॉइंट फाइव इंच की हम चार डोरियां काट लेंगे। ये देखिए, हमारा पैच सूख चुका है। अब हम इसको टाक लेंगे। बाज़ार में इस तरह का थ्रेड इजीली मिल जाता है। आप चाहें तो नॉर्मल थ्रेड से भी इसको टाक सकते हैं। एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है उसको काट देंगे। फोर इंच पर एक निशान लगाएंगे। हमारा कफ 4 इंच का रहेगा चौड़ाई और लंबाई इसकी 9.5 इंच रहेगी। और हम यहाँ पर चार लूप्स लगाएंगे। एक साइड हम इसके बटन्स लगाएंगे और एक साइड हम इसके लूप्स लगाएंगे। खुली वाली साइड बाहर रखेंगे और बंद वाली साइड अंदर रखेंगे और यहाँ पर 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे। ये देखिए, हमने 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम इसमें बुकरम अटैच करेंगे। बुकरम के किनारे किनारे हमें 2 सिलाइयाँ लगानी हैं। याद रहे कि सिलाइयाँ हमारी बुकरम पर ही आएं, क्योंकि हमारी बुकरम बाद में हिले नहीं। ये देखिए, हमने इसको सीधा कर लिया है। कोई नोकीली चीज़ की मदद से आप इसके कोने निकाल लें।
बहुत ही आसान तरीका है ये कफ बनाने का। आप अपनी शर्ट कुर्ती में भी इसी तरीके से कफ बना सकते हैं। पिन से हम इसको सिक्योर कर लेंगे। ये हमारी स्लीव्स हैं। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। नीचे से हम 2.5 इंच छोड़कर पूरी स्लीव्स पर सिलाई लगा लेंगे। ये 2.5 इंच हम इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इतनी साइड हमारी खुली रहेगी। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और ये हम कुछ इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। 9.5 इंच हमारा तैयार है। इसी तरह हम स्लीव्स को भी 9.5 इंच में एडजस्ट करेंगे और बीच में जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसमें हम प्लीट्स डाल देंगे। ये हमने प्लीट्स डाल ली हैं। ये हमारी कुछ ऐसी दिखेगी। चलिए अब हम कप को लगाना बताते हैं। इसकी नीचे वाली साइड हम सारा कपड़ा अंदर करते हुए एक ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। इसी तरह हम अपनी ऊपर भी सिलाई लगाएंगे, लेकिन हम ये सिलाई हाथ की सुई से लगाएंगे क्योंकि हम ये बाद में उधेड़ देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से आप हाथ की सुई से इसको सिलाई लगा लें। याद रहे नीचे और ऊपर का कपड़ा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब हम आपको इसके अंदर स्लीव्स लगाना बताएंगे। जितना भी कपड़ा आपको अंदर रखना है उस पर आप निशान लगा लें चौक चौक की मदद से, और कुछ इस तरह से रख के यहाँ पर पिन से सिक्योर कर लें। चलिए अब इसके किनारे किनारे एक सिलाई लगाकर तैयार करते हैं। ये देखिए हमारी सिलाई लग चुकी है और जितना भी कच्चा किया था हमने हाथ की सुई से वो सारा धागा निकाल देंगे। अब हम इसके यहाँ एक किनारे किनारे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने एक किनारे किनारे और एक से थोड़ी दूर सिलाई लगा ली है। बहुत ही फिनिशिंग से हमारे कफ बने हैं। एक साइड हमने लूप्स लगाए हैं और दूसरी साइड हम बटन लगाएंगे। और स्लीव्स को डेकोरेट करने के लिए और अच्छा लुक देने के लिए हम इसके दूर दूर मोती लगाएंगे। ये देखिए हमने मोती लगा लिए हैं। बहुत ही खूबसूरत स्लीव्स बनी है हमारी। कुछ इस तरह से दिखेंगी ये। चलिए हम इसे अबाया में अटैच कर लेते हैं। ये हमने अबाया में स्लीव्स अटैच कर ली हैं। अब हमने जैसे ऊपर एक सिलाई लगाई है उसी तरह हम एक यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और सारा कपड़ा अपनी अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है। कुछ इस तरह दिखेगी ये। अब हम इसकी फिटिंग करेंगे। आप अपने अबाया को रखकर भी इसकी फिटिंग कर सकते हैं या आप मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी फिटिंग कर सकते हैं। और नीचे से इस पर एक सिलाई लगाएंगे। डबल फोल्ड करते हुए हम दो सिलाई लगाएंगे, एक नीचे एक ऊपर। हमारा अबाया बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना है ये। बहुत ही खूबसूरत अबाया है। आप किसी भी पार्टी या फंक्शन में इसको वेयर कर सकते हैं। ये देखिए हमारी स्लीव्स बहुत ही खूबसूरत बनी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को